A very good morning, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो ये मेरा दूसरा दिन है मोरंग में, तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। अभी मैंने मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ पर यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। और आज मौसम की बात की जाए तो आज मौसम काफ़ी सुहावना है, तो धूप लगी है। तो मैं आपको आज का वेदर दिखाती हूँ कि आज का वेदर कैसा है। गाइज, ये है मेरी फ्रेंड एमी, जिसके घर में गए हम। तो ये निकाली थी फेडो, तो हम अभी खेत में जा रहे हैं एमी के। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतने सारे पत्थर ये हैं। तो पहले यहाँ पे ना बगीचा हुआ करता था मेरी फ्रेंड का, तो यहाँ पे 300-400 के करीब सेब के पौधे थे, जो स्लाइड के कारण पूरा स्लाइड हो गया था। तभी यहाँ पे इतने सारे पत्थर है, जो ये ऊपर तक दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेकर पूरा ये मेरी फ्रेंड का खेत है, जो स्लाइड के कारण ख़राब हो गया। और हम यहाँ पे बैठ के गपशप मार रहे थे। तो ये मेरी फ्रेंड और मेरी बड़ी बहन है, देख सकती हो किसी गप में मारे हम। और ये है न्यूजे का पेड़, जिसको चिलगोजा कहा जाता है और शांगटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उगाया नहीं जाता है, ये प्रकृति ने, मतलब कि ये नेचुरल है। ये लोअर किन्नौर में नहीं पाया जाता है, ये अपर में ही होता है। तो जैसे निचार ब्लॉक में ये अवेलेबल नहीं है। तो गाइज, ये है नैना देवी का मंदिर, मेरी फ्रेंड के घर का मंदिर है अपना पर्सनल। तो देख सकते हो आप कितना प्यारा मंदिर है। तो गाइज, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, देख सकते हो आप कितनी सुंदर नक्काशी की है। तो हम अंदर चलते हैं अब। तो ये है मूर्ति माता जी की, तो ये यहाँ पे नैना देवी विराजमान है साक्षात, और वो हमें दर्शन भी देते हैं। और देख सकते हो आप दीवार पर कितनी सुंदर पेंटिंग की है। तो गाइज, ये है माता का बैठक, और देख सकते हो आप इसमें भी कितनी सुंदर नक्काशी की है। और यहाँ मेरी फ्रेंड माता को माला पहना रही है, देख सकते हो आप। तो यहाँ देखिए, मेरी फ्रेंड ने मेरी बहन को उठाया है ये माला को पीछे करने के लिए, और ये दोनों हंसते रह रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फ्रेंड के भाई का बेटा यहाँ पे खोदाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बनना है हवन कुंड। तो आप देखते रहिए आगे क्या क्या हो रहा है। तो खुदाई तो हो चुकी है, अब कर रहे हैं यहाँ पे पत्थर हटाने का काम, जो छोटे छोटे पत्थर है ना उसको हटा रहे हैं। तो ये है जिन्होंने किन्नौर टोपी पहनी, और मेरे फ्रेंड के पापा है, और ये साथ में मेरे ताऊजी, और ये मेरी बड़ी बहन है। तो मैं भी पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर उठाने के लिए। तो ये मेरे साथ है, और भाई एम जो मेरी फ्रेंड है उनके भैया की बेटी है। तो हम पत्थर, छोटे छोटे कंकर पत्थर है ना, उनको हटा रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो आगे आगे देखो क्या क्या हो रहा है, हमें थोड़ी देर में बनना है हवन कुंड। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आगे तक बने रहें आप लोग।
तो यहाँ देखिए आप जो ईट एंड उस से हवन कुंड का स्ट्रक्चर तो बना दिया है, तो अभी हो रहा है यहाँ पे सीमेंट और रेता है मिक्स, और यहाँ पे पानी डाल दिया है। तो आगे वीडियो में देखते रहें आप लोग क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे रेता और सीमेंट को घोल दिया है अच्छे से, तो यहाँ पे अब प्लास्टर किया जा रहा है। तो इसमें अभी एमी के पापा कर रहे हैं प्लास्टर। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इंजॉय करिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यार यहाँ पे मेरी बहन को तो देखो आप, मिस्त्री बनी है, देखो ये भी प्लास्टर कर रही है, एक्सपर्ट है ये भी काम करने के लिए। तो आगे आगे देखो हवन कुंड किस तरह से बना रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं सीमेंट और रेता को घोल रही हूँ, और इसको लगाना है हमने कुंड में। देख सकते हो आप इतना तो बनकर रेडी हुआ है। अब थोड़ा सा रहा है, तो आप देखो आगे के क्या क्या कर रहे हैं हम। A few minutes later. तो गाइज यहाँ पे हवन कुंड बनकर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पंडित जी हवन को शूट कर रहे हैं और साइड में लकड़ियाँ जलाई है, जला रहे हैं अभी, और सामने मंदिर का उच्चारण कर रही है। ये मेरे ताई जी है और ये मेरी फ्रेंड की फैमिली है सारी। तो आप देखो क्या क्या हो रहा है आगे।